बोले बिनु सत्संग विवेक नहीं हो सकता। जीव कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो जाए, कितनी ही डिग्रियां क्यों ना पास कर ले, लेकिन जब तक उसको सत्संग नहीं मिल रहा है वो पूर्ण रूप से अज्ञानी है। बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सो। जाओ बालक ध्रुव, मैंने तुम्हें ध्रुव लोक प्रदान किया जहां से तुम्हें कोई हटा नहीं सकता। ध्रुव लोक, एक लोक भगवान ने ध्रुव को दे दिया और अब बालक ध्रुव राज्य कर रहे हैं। 36,000 वर्षों तक बालक ध्रुव ने राज्य किया है। इसके उपरांत कहते हैं इनका वंश आगे बढ़ा, इनके भी वंश में बहुत से लोग हुए, महावीर जैसे लोग हुए। समय आने पर इनकी मृत्यु हुई, साक्षात मृत्यु इनके सामने खड़ी हुई, लेकिन मृत्यु की भी हिम्मत नहीं हुई कि इनको स्पर्श करें। बोली मैं आपको लेने आई हूँ लेकिन मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको स्पर्श कर सकूं। इतनी छोटी सी उम्र में आपने भगवान की प्राप्ति करी है, लेकिन इस धरती लोक का नियम है कि जो आया है उसको मरना पड़ा है। वो मरता है, बिना मरे नहीं जाता कोई, लेकिन मैं तुम्हें कैसे छू सकती हूँ। तो एक काम करो ध्रुव, तुम मेरे सर पर अपने पैर को, मेरे मस्तक पर अपने पैरों को रख कर भगवान के विमान पर विराजमान हो जाओ। बालक ध्रुव ने ऐसा ही किया। मृत्यु के सिर पर बालक ध्रुव पैर रखकर भगवान के साथ भगवान के धाम पर पहुंचे हैं। भगवान ध्रुव ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। शरीर सहित बालक ध्रुव भगवान के धाम पहुंचे हैं। आज भी कभी देखा होगा, कभी कभी आपने ध्रुव तारा चमकता है, वो बालक ध्रुव है। इस प्रकार बालक ध्रुव को भगवान ने अपने दर्शन कराए हैं। इसके उपरांत प्रियव्रत के वंश का वर्णन आता है, तो तानपाद के जो भाई हैं, प्रियव्रत के वंश में आग्नेन्द्र हुए, आग्नेन्द्र के नाभि हुए, नाभि के ऋषभ देव हुए और ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, जिनमें कि एक पुत्र का जो सबसे आखिरी पुत्र थे उनका नाम था भरत। भरत जी थे। ऋषभदेव जी महाराज दूसरों को ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे, ज्ञान उपदेश करते थे। तो एक दिन इनके मन में विचार आया कि मैं दूसरों को तो खूब ज्ञान देता हूँ, पर पता नहीं मेरे बालकों में ऐसा ज्ञान है या नहीं, मेरे बालकों में भक्ति है या नहीं। एक दिन सभी बालकों को बैठाया और पूछा कि शरीर हमको क्यों मिला है, बताओ। सभी ने अपना अपना मत रखा, इसलिए मिला, इसलिए मिला, पर किसी ने ये नहीं कहा कि ये शरीर हमको भगवान की सेवा करने के लिए मिला है। बालक ध्रुव को क्षमा कीजिएगा, बालक जो सबसे छोटे हैं भरत जी, ऋषभदेव के जो पुत्र हैं सबसे छोटे भरत जी, ऋषभदेव जी बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि सुनते तो सभी हैं पर समझता हर कोई नहीं है, कोई कोई ही सुनते हैं और समझते हैं। अब कथा में बैठे तो सब हैं, पर किसी का मन घर में लगा होगा, किसी का मन अपने धंधे में लगा होगा, किसी का मन हो रहा होगा बाहर शाम हो रही है निकलना भी है, ये देवी जी कथा नहीं बंद कर रहे, तो मन चलता रहता है। मन कथा में तो बहुत कम लोगों का होगा, तो वैसे ही अब ऋषभदेव के सभी पुत्रों ने सुना तो, लेकिन किसी के मन में ये बात बैठी नहीं। लेकिन जो भरत जी हैं उनको ये बात समझ में आ गई और तुरंत अपने परिवार को छोड़कर एक कुटिया बनाकर एक आश्रम में रहने लगे। वहां पर रहने लगे, भगवान का भजन करते हैं,
और अपनी मस्ती में रहते हैं, घर परिवार से मतलब नहीं। कहते हैं एक दिन ये भजन कर रहे थे सामने से, एक गर्भवती हिरनी गुजर रही थी तो पीछे से एक शेर उसका पीछा कर रहा था। शेर ने जैसे ही उस हिरणी को देखा तो उसको खाने के लिए, उसको मारने के लिए वो दौड़ पड़ा। और जैसे उस हिरणी ने देखा कि ये मुझे मारने आ रहा है, वो भी दौड़ी। और जब दौड़ी तो एक नदी पड़ती थी बीच में, और उस हिरणी ने चाहा कि इस नदी को मैं पार करके उस पार निकल जाऊं। उस हिरणी ने जोर से छलांग लगाई, और जब छलांग लगाई तो वो उस पार तो नहीं हो पाई और उसका गर्भ वहीं गिर गया। उसका गर्भ वहीं गिर गया और वो उसका बालक उस जल में बहता हुआ धीरे धीरे भरत जी के कुटिया के सामने आया। जैसे ही भरत जी ने देखा तो छोटा सा था, बिल्कुल नन्हा सा था, तो प्रेम आ गया उसको देख के, तुरंत उठाकर लाए और उसकी रक्षा की, उसके प्राणों को बचाया, उसकी सेवा की, इसको जल पिलाया। अब देखिए यहाँ तक तो किया तो ठीक था, ये तो एक व्यक्तित्व था, एक इंसानियत थी, लेकिन उनका प्रेम इतना बढ़ गया उसके प्रति, इतना बढ़ गया कि अब वो खाते हैं तो उसके साथ, सोते हैं तो उस हिरणी के बच्चे के साथ, उठते हैं तो उसके साथ, कहीं घूमते हैं तो उसके साथ, भगवान का भजन भी करने बैठते हैं तो उसको लेकर बैठते हैं। इतना प्रेम हो गया, एक माया को छोड़ के आए हैं और दूसरी माया में लग गए। तो उसकी रक्षा करते, उसके प्राणों की रक्षा की और उसके प्रति प्रेम ज्यादा बढ़ गया। अब वो कहीं जाता तो उसके पीछे पीछे दौड़ते कि कहीं चला ना जाए। एक दिन ये बैठे हुए भजन कर रहे थे, माला कर रहे थे, तो उस हिरणी के बच्चे ने देखा कि अपने जैसे लोगों को देखा, अपने जैसे पशुओं को देखा, तो देखकर उसी हिरणी के झुंड में वो भी साथ में चला गया। चला गया, यहाँ पर समय आया बालक भरत के, समाधि टूटी, माला छूटी, तो देखा क्या कि हिरणी का बच्चा था नहीं। ढूंढा इधर उधर जाके पर कहीं दिखा नहीं, तो सोचा शायद यहीं कहीं होगा, शाम तक आ जाएगा, अभी समय ही कितना हुआ है। दोपहर हो गई, वो बालक नहीं आया। शाम हो गई, वो नहीं आया। रात्रि हो गई, वो नहीं आया। अब उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, इतना प्रेम उनका बढ़ गया था, खाना पीना त्याग दिया उन्होंने। और जब तक कोई आदमी खाएगा पिएगा नहीं तो जीवित कैसे रहेगा। 3-4 दिन हो गए बिना भोजन पानी के, कमजोर होने लगे और शरीर साथ नहीं देने लगा, भजन भी छूट गया, 2-4 जो मालाएं करते थे वो भी छूट गई। और देखते ही देखते इन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। लेकिन कहते हैं मरते वक्त भी इनकी मति उसी हिरणी के बच्चे में थी, और शास्त्र ऐसा मानते हैं कि अंते मति सागति, अंत में जैसी जिसकी मति होगी उसको वैसी गति प्राप्त होगी। तो इनकी मति थी हिरण के बच्चे में, हिरण में थी, तो इनका जो दूसरा जन्म हुआ वो हिरण के रूप में हुआ। लेकिन इन्होंने इतने अच्छे कर्म किए थे कि इनको अपना पूर्व जन्म याद था, तो एक जन्म तो इनका बेकार हो गया, वो भी। तीसरा जन्म हुआ, और कहते हैं उस जन्म में भी इन्होंने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और उस जन्म में भी इनका नाम पड़ा भरत, भरत नाम पड़ा। लेकिन इनके इतने अच्छे कर्म थे कि इनको अपना पूर्व जन्म याद था कि हमारे 2 जन्म तो व्यर्थ हो चुके हैं, अब इस जन्म को अच्छा बनाना है, इस जन्म को व्यर्थ नहीं करना है।
तो ये किसी से बोलते ही नहीं, बातचीत ही नहीं करते थे। कोई कितना कुछ भी कह ले पर इनके मुख से आवाज नहीं आती थी। कोई कुछ भी कहे कोई मतलब नहीं, तो लोग इनको जड़ भरत कहने लगे थे कि कुछ बोलता ही नहीं, जड़ की तरह हमेशा रहता है, इसलिए इसका नाम रख दो जड़ भरत। पिताजी इनके कहते हैं कि ये किसी काम का तो है नहीं, और भाई तो इसके सब काम धंधे पे लगे रहते हैं, इसको तो कोई काम धंधा है नहीं, क्यों ना इसकी खेती की रखवाली पे लगा दिया जाए। खेती की देखभाल करने के लिए इसको हम बाहर खेत में भेज देते हैं कि वहां खेतों की रक्षा करेगा, और ऐसा कहकर जड़ भरत के पिताजी ने जड़ भरत को घर से बाहर निकाल दिया। खेतों में आकर रहने लगे, खेतों की देखभाल करने लगे, पानी वानी जल इत्यादि देने लगे खेतों को। एक दिन की बात है, राजा रहुगण भगवान कपिल से उपदेश लेने जा रहे थे। ये रोज जाते थे भगवान कपिल से उपदेश देने, उपदेश लेने जाते थे। लेकिन एक दिन इनका एक सैनिक पालकी चलाने वाला, पालकी में कितने लोग लगे होते हैं, चार लोग। तो एक दिन एक पालकी चलाने वाला की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो उसको अस्वस्थ महसूस होने लगा। उसने पालकी वहीं पर रख दिया, बोला महाराज अब तो हम में सामर्थ्य नहीं, हम इस पालकी को नहीं चला सकते। तो राजा रहुगढ़ ने कहा नहीं चला सकते हो तो ढूंढो किसी को, किसी को पकड़ो, ऐसे तो पालकी चलने वाली नहीं है, तीन लोगों में किसी एक को ढूंढो। अब राजा के सैनिक निकल पड़े एक को ढूंढने के लिए कि कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। तो देखा क्या, कौन मिला, जड़ भरत। देखने में ठीक ठाक थे, मोटे ताजे थे, अच्छे घर से लग रहे थे। राजा के सैनिकों ने कहा कि ये सही है, इसको पालकी चलाना आता होगा, पालकी अच्छे से उठा लेगा ये, इसको पकड़ लेते हैं, इसको ले चलते हैं। उसको लेकर आए हैं जड़ भरत महाराज के साथ में आए हैं सैनिक राजा रहुगण के पास, और जड़ भरत को पालकी थमा दी है, लो पालकी के साथ में हमारे साथ चलो, पालकी में लगा लिया। अब जड़ भरत पालकी को लेकर चल रहे हैं, रास्ते में देखा क्या कि चींटियों की लाइन जा रही थी। अब जैसे ही चींटियों की लाइन को देखा तो बड़ी जोर से जड़ भरत ने छलांग लगाई। अब जैसे ही छलांग लगाई तो अंदर बैठे थे रहुगण, सर पे बड़ी जोर से पालकी लगी उनके, क्रोध आ गया, क्रोध में डांटने लगे, कौन है, पालकी चलानी नहीं आती है क्या। सैनिकों ने कहा महाराज हमको तो आती है, पर जो नया आया है ना इसको नहीं आती है। राजा रहुगण ने कहा अच्छे से पालकी चलाओ वरना तुम्हें दंड देंगे। जड़ भरत कुछ नहीं बोले, आगे बढ़े, देखा क्या कि फिर चींटियों की लाइन जा रही थी। अब जब फिर देखा तो फिर एक छलांग लगाई, फिर लगाई तो फिर उनके सर पर ठोकर लगी। अब जब फिर लगी तो उनको फिर क्रोध आया, बाहर निकलकर समझाने लगे सुनो ठीक से पालकी चलाओ वरना यही तुमको भी दंड मिलेगा, मैं राजा हूं और मेरे सर पर बार बार लग रही, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या। बोले बिनु सत्संग विवेक नहीं हो सकता। जीव कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो जाए, कितनी ही डिग्रियां क्यों ना पास कर ले, लेकिन जब तक उसको सत्संग नहीं मिल रहा है वो पूर्ण रूप से अज्ञानी है। बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई।